ओके, सो लेट्स बिगिन फीडिंग टेक्निक्स। तो दीज टेक्निक्स आर नथिंग बट दीज आर द टेक्निक्स टू एक्साइट द माइक्रोस्ट्रिप एंटीना। तो इनमें से सबसे पहली फीडिंग टेक्निक है कोएक्सियल फीड टेक्निक। तो सबसे पहले देखिए कोएक्सियल केबल में होता क्या है। इन द कोएक्सियल केबल इट हैज़ सेंट्रल कंडक्टर एज वेल एज आउटर कंडक्टर। तो कोएक्सियल केबल क्या है, बेसिकली एक ट्रांसमिशन लाइन है, और ट्रांसमिशन लाइन का कुछ ना कुछ क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होता है, ठीक है। ये माइक्रोस्ट्रिप एंटीना है। व्हाट इज़ माइक्रोस्ट्रिप एंटीना? माइक्रोस्ट्रिप एंटीना कंटेन्स पैच, डाइलेक्ट्रिक लेयर एज वेल एज ग्राउंड। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने कैसे फीड किया है कि सेंट्रल कंडक्टर ऑफ द कोएक्सियल केबल इज कनेक्टेड विथ पैच एंड आउटर कंडक्टर इज कनेक्टेड विथ ग्राउंड प्लेन, एंड दिस टाइप ऑफ फीडिंग टेक्निक इज नोन एज कोएक्सियल फीड टेक्निक। अच्छा, अब देखिए कि मैं एक सवाल पूछता हूँ कि क्या यहाँ से रिफ्लेक्शन पॉसिबल है? बिल्कुल हो सकता है। ये ट्रांसमिशन लाइन है और ये क्या है, एंटीना है। ट्रांसमिशन लाइन का कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कितना है, जेड नॉट है, और एंटीना का इम्पीडेंस कितना है, जेड ए। क्या यहाँ रिफ्लेक्शन पॉसिबल है? बिल्कुल, जेड ए माइनस जेड नॉट ओवर जेड ए प्लस जेड नॉट। रिफ्लेक्शन मिनिमाइज कब हो सकता है, या रिफ्लेक्शन की वैल्यू जीरो कब हो सकती है? जब एंटीना का इम्पीडेंस किससे मैच कर जाए, ट्रांसमिशन लाइन के इम्पीडेंस से मैच कर जाए, तभी ये रिफ्लेक्शन क्या हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है। और ये जो फिगर है आपके सामने, इट इज़ नथिंग बट इट्स अ साइड व्यू ऑफ द माइक्रोस्ट्रिप एंटीना। अच्छा, चलिए इसका टॉप व्यू देखते हैं। जब टॉप से देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा, पैच दिखेगा, और ये जो सेंट्रल कंडक्टर जहाँ पैच से कनेक्टेड है वो वहाँ पे दिखेगा। देखिए ये जो सेंट्रल कंडक्टर है वो किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे है, और ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस। तो क्या यहाँ का कोऑर्डिनेट मैं एक्स कॉमा जीरो दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकता हूँ। अच्छा देखिए, सेंट्रल कंडक्टर पैच को टच कर रहा है, तो टच मतलब कॉन्टैक्ट। तो ये कैसी फीडिंग टेक्निक होगी, कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ फीडिंग टेक्निक होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ऑब्जर्व करिए, माइक्रोस्ट्रिप एंटीना का प्लेन ये है, कोएक्सियल का प्लेन कैसा है, कोएक्सियल केबल का प्लेन ऊपर की तरफ है। तो क्या दोनों एक एक प्लेन पे हैं? नहीं, दोनों इसका प्लेन वर्टिकल है, इसका हॉरिजेंटल है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन प्लेनार फीडिंग टेक्निक भी बोलते हैं। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं कोएक्सियल टेक्निक को, कोएक्सियल फीड टेक्निक को। अच्छा, फीडिंग मेथड भी दो तरीके की हो सकती हैं। फीडिंग मेथड कैसे दो तरीके की हो सकती हैं? एक तो कॉन्टैक्ट फीड टेक्निक होती है, और एक होती है नॉन कॉन्टैक्ट फीड टेक्निक। तो अभी हम सिर्फ कॉन्टैक्ट फीड टेक्निक पे जोर दे रहे हैं, नॉन कॉन्टैक्ट बाद में देखेंगे। अच्छा देखिए, ये माइक्रोस्ट्रिप एंटीना है, ये उसका टॉप व्यू है। ये देखिए, ये जो डॉट बना हुआ है, डॉट कहाँ पर है, कौन सी एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे है। ये डॉट किसकी वजह से आया, बिकॉज़ क्योंकि हमने जो कोएक्सियल का जो सेंट्रल कंडक्टर है वो पैच से कनेक्ट करके रखा है। चलिए देखते हैं, जैसे ही माइक्रोस्ट्रिप एंटीना को मैंने एक्साइट किया, तो देखिए यहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, एंड दैट करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नोन एज, ये दैट करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नोन एज सरफेस करंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे वेक्टर्स बनाया है, इनको क्या बोलते हैं, करंट वेक्टर्स बोलते हैं। आप ऑब्जर्व करिए कि सेंटर पे करंट वेक्टर का लेंथ ज़्यादा है, और एजेस पे करंट वेक्टर का लेंथ बिल्कुल जीरो के है। मतलब मैं यहाँ से गैस लगा सकता हूँ कि यहाँ पे करंट क्या है, जीरो है, यहाँ पे मैक्सिमम है, और यहाँ पे क्या है, ज़ीरो है। जहाँ पे करंट जीरो हो जाए वो कैसी एज कहलाएगी, ओपन ओपन एज कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ करंट मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, ये लेंथ है, ये विड्थ है। अच्छा देखिए, इसमें यदि मुझे रेडिएटिंग और नॉन रेडिएटिंग एज डिसाइड करना हो तो कैसे करूँगा? देखिए, ये विड्थ है, तो विड्थ की तरफ से ये क्या करेगा, रेडिएट करेगा, और लेंथ क्या होगा, नॉन रेडिएटिंग एज होगी इस केस में। अच्छा, तो सवाल यह है कि क्या केवल एक्स एक्सिस से ही फीड दे सकते हैं? नहीं, वाई एक्सिस से भी फीड दे सकते हैं। तो वाई एक्सिस से यदि मैंने फीड दिया, तो देखिए करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, यहाँ पे करंट वेक्टर्स ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ये यहाँ पे करंट मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम। तो सोच के देखिए, इसमें रेडिएटिंग एज कौन सी होगी, ये वाली रेडिएटिंग एज होगी,
और ये कैसी एज हो जाएगी, नॉन रेडिएटिंग एज हो जाएगी। तो बात क्या समझ में आई कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एक्स एक्सिस और कोई एक्स एक्सिस पे ही फीड दें, हम वाई एक्सिस पे भी फीड दे सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि क्या एक्स और वाई एक्सिस पे ही देना चाहिए फीड, नहीं, और भी लोकेशन पे भी, यहाँ पे भी मैं फीड दे सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे फीड देना देने से क्या होता, हायर ऑर्डर मोड एक्साइट होते हैं, और ये बोला जाता है कि एंटीना को हमेशा कोशिश ये करना चाहिए कि फंडामेंटल मोड्स पे ऑपरेट कराना चाहिए। मैं यदि ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है तो आगे चल के ज़रूर समझ में आ जाएगी। अच्छा, कोएक्सियल फीड टेक्निक का एक खास एडवांटेज होता है, वो क्या है एडवांटेज, इजी इम्पीडेंस मैचिंग। ये इजी इम्पीडेंस मैचिंग का अभी अपन समझते हैं। इम्पीडेंस मैचिंग क्यों रिक्वायर्ड है? इम्पीडेंस मैचिंग इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कहती है कि यदि ट्रांसमिशन लाइन मतलब कोएक्सियल केबल का इम्पीडेंस एंटीना के इम्पीडेंस से मैच करेगा तो मैक्सिमम पावर विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम कोएक्सियल केबल टू माइक्रोस्ट्रिप एंटीना। अच्छा, चलिए आगे समझते हैं, इसी इसी कंसेप्ट को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक मैंने डायग्राम बनाया है, ये पैच का टॉप व्यू है। यहाँ पे देखिए करंट मैक्सिमम है, यहाँ करंट मिनिमम है, यहाँ करंट मिनिमम है। ये ओपन एज है, ओपन सर्किट पे क्या एग्जिस्ट करता है, वोल्टेज एग्जिस्ट करता है और करंट क्या होती है, मिनिमम होती है। तो बीच में क्या है, करंट मैक्सिमम है तो वोल्टेज क्या होगा, मिनिमम होगा। यहाँ पे क्या है, वोल्टेज मैक्सिमम करंट मिनिमम। अच्छा, ऑब्जर्व करिए, वी मैक्स आई मिन, आई मैक्स वी मिन, आई मीन तो फिर वी मैक्स। यदि करंट बड़ा है तो वोल्टेज छोटा है, और यदि वोल्टेज बड़ा है तो करंट छोटा है, एंड सच काइंड ऑफ पैटर्न इज नोन एज स्टैंडिंग वेव पैटर्न। आप मेरा सरफेस करंट डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर देखना, वहाँ आपको मिल जाएगा। अच्छा, यदि मैं पूछूँ यहाँ ए पॉइंट पे इम्पीडेंस क्या होगा, वोल्टेज मैक्सिमम करंट मिनिमम, यदि करंट की वैल्यू जीरो होगी तो ये यहाँ पे ये क्या होगा, टेंस टू इम्पीडेंस टेंस टू इनफाइनाइट होगा। चलिए, मतलब यहाँ पे यदि मैं मूव करूँगा तो यहाँ मुझे हाई इम्पीडेंस मिलेगा। अच्छा, यानी ये ओपन एज है, ओपन सर्किट एज है। बी पॉइंट पे आ जाइए, करंट मैक्सिमम और वी मिनिमम, वी मिनिमम यदि बहुत छोटा है, यदि जीरो है तो बी पॉइंट पे इम्पीडेंस कितना आएगा, वी मिनिमम बहुत छोटा है, करंट बहुत बड़ा है, डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है टेंस टू जीरो होगा। यदि इम्पीडेंस जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, मतलब ये वाली एज किसकी तरीके से बिहेव करेगी, शॉर्ट सर्किट एज की तरीके से बिहेव करेगी। अब आ जाइए पॉइंट सी पे, पॉइंट सी पे देखिए वोल्टेज का मैक्सिमम है और करंट मिनिमम है, ऑब्वियस सी बात है इम्पीडेंस क्या होगा, बहुत हाई होगा। अब देखिए शॉर्ट सर्किट मतलब जीरो इम्पीडेंस और यहाँ पे इनफाइनाइट इम्पीडेंस, जीरो और इनफाइनाइट के बीच में कहीं ना कहीं 50 ओम होगा। मान लीजिए आपका कोएक्सियल केबल है, उसकी वैल्यू जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस की वैल्यू क्या है, 50 ओम है, इसका 50 ओम है, तो आप पैच पे भी 50 ओम सर्च करके, सिमुलेशन से सर्च करके यहाँ पे 50 ओम पॉइंट पे इस कोएक्सियल केबल का सेंट्रल कंडक्टर लगाइए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोएक्सियल केबल का सेंट्रल कंडक्टर कहाँ पे लगाना है, जहाँ पे 50 ओम हो, यहाँ पे सपोज दैट 50 ओम है तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा। इससे क्या बेनिफिट होगा कि कोएक्सियल केबल का जो जो इम्पीडेंस है वो माइक्रोस्ट्रिप एंटीना के इम्पीडेंस से मैच कर जाएगा और मैक्सिमम पावर विल बी ट्रांसफर्ड। तो क्या रिफ्लेक्शन होगा इस केस में, आंसर इज नो, यदि परफेक्ट मैचिंग हो गई तो। चलिए और समझने की कोशिश करते हैं, तो इसको इस इम्पीडेंस मैचिंग को समझने के लिए एक ग्राफ को समझते हैं। इस ग्राफ को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, S11 कैरेक्टरिस्टिक। तो आप रिकॉल करिए कि S11 कैरेक्टरिस्टिक किसके किसके बीच में प्लॉट करते थे, S11 इन dB वर्सेस फ्रीक्वेंसी। S11 इन dB का मतलब क्या होता है, 20 log γ L, गामा एल क्या होता, मॉड गामा एल, सॉरी, गामा एल क्या होता है, ZA-Z0 ओवर ZA+Z0। ZA क्या होता था, एंटीना का इम्पीडेंस, Z0 क्या होता था, ट्रांसमिशन लाइन का इम्पीडेंस। तो इस तरीके से हम इसको, यदि रिफ्लेक्शन कोफिशेंट को dB स्केल में ले गए तो ये कुछ भी नहीं, S11 पैरामीटर है। तो आप देखिए सिर्फ इतने से पोर्शन को देखिए, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप देखिए कि
कि कर्व यदि नीचे की तरफ जाए, यदि ग्राफ नीचे की तरफ जाए, तो इस चीज़ का क्या मतलब होता है? रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है? कम हो रहा है, मतलब ट्रांसमिशन ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, रिकॉल दैट, कि यदि रिफ्लेक्शन कम हो रहा है, यदि नीचे जाने पर रिफ्लेक्शन कम हो रहा है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ इम्पीडेंस मैचिंग भी तो इंक्रीज़ कर रही है। रिफ्लेक्शन कम तो ट्रांसमिशन ज़्यादा, इम्पीडेंस मैचिंग ज़्यादा। अच्छा, आप याद करिए, मैंने रिफ्लेक्शन कोफिशेंट और VSWR के लेक्चर में बताया था और रिटर्न लॉस के लेक्चर में भी बताया था कि यदि मैं रिफ्लेक्शन कोफिशेंट को रिड्यूस करूँगा तो VSWR रिड्यूस होगा। अच्छा, याद करिए कि -10 dB लाइन के लिए VSWR कितना होता था? 2। -13 dB लाइन के लिए VSWR कितना होता था? 1.5। -6 dB की लाइन के लिए VSWR क्या कितना होता था? 3। तो हमें हमें एंटीना के केस में कोशिश ये करना चाहिए कि VSWR 2 से क्या हो, नीचे की तरफ हो। तो आपने इससे क्या कंक्लूज़न निकाला कि ये बेसिकली किसको बता रहा है? ये बेसिकली इस बात को बता रहा है, इम्पीडेंस मैचिंग को बता रहा है। आप फीड लोकेशन आप देखिए, आप इसमें देखिए, जो अभी अपन ने देखा था कि फीड लोकेशन यदि मैं चेंज कर दूं, यहाँ पे देखिए, इस फीड पॉइंट को ये 50 ओम का पॉइंट है, यदि इधर ले जाऊंगा तो इम्पीडेंस मैचिंग डिटेरियट होगी, इधर ले जाऊंगा तो इम्पीडेंस मैचिंग डिटेरियट होगी। यदि इम्पीडेंस मैचिंग बिगड़ी तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, ट्रांसमिशन कम होगा, तो कर्व किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा? ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे समझते हैं, ये देखिए, कर्व यदि नीचे की तरफ आ रहा है तो रिफ्लेक्शन कम हो रहा है। रिफ्लेक्शन कम होने का मतलब क्या है? ट्रांसमिशन ज़्यादा हो रहा है। रिफ्लेक्शन कम होने का एक और मीनिंग है क्या? कि इम्पीडेंस मैचिंग इम्प्रूव हो रही है। यदि रिफ्लेक्शन कोफिशेंट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो VSWR भी क्या होता है? रिड्यूस होता है। आप याद करिए उस रिटर्न लॉस के लेक्चर को। तो यहाँ से क्या कंक्लूज़न निकला कि यदि मैं फीड लोकेशन चेंज कर दूँ, अभी जो पिछले फिगर में दिखाया था 50 ओम का पॉइंट इधर और इधर शिफ्ट कर दूँ, तो ये कर्व क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही आप 50 ओम के पॉइंट से इधर और उधर इस लेफ्ट और राइट मूव करेंगे तो आपका इम्पीडेंस मैचिंग क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। इम्पीडेंस मैचिंग डिटेरियट हो जाएगा तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। रिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा तो कर्व किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा? अपवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसकी और भी एनालिसिस हम करेंगे, वो आगे चल के देखेंगे। तो चलिए, लेट्स सी द ड्रॉबैक ऑफ कोएक्सियल फीड टेक्निक। तो देखिए, कोएक्सियल फीड टेक्निक में सेंट्रल कंडक्टर किससे कनेक्ट करते हैं? पैच से। और आउटर कंडक्टर किससे कनेक्ट करते हैं? ग्राउंड प्लेन से। तो चलिए देखते हैं कि इस केस में क्या है। ये इस केस में डाइलेक्ट्रिक की हाइट एच डैश है, यहाँ पे 50 ओम का पॉइंट है, कोएक्सियल लाइन का भी, जो कोएक्सियल लाइन का भी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है 50 ओम है, परफेक्ट मैचिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने डाइलेक्ट्रिक की हाइट बढ़ा दी तो मुझे सेंट्रल कंडक्टर की लेंथ भी बढ़ानी पड़ेगी, बिल्कुल बढ़ानी पड़ेगी। यदि सेंट्रल कंडक्टर का लेंथ मैं इंक्रीज करता हूँ तो एक टर्म बोलते हैं इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स फिजिकल स्ट्रक्चर। यदि मैंने फिजिकल स्ट्रक्चर को चेंज किया तो पक्की बात है इंडक्टेंस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यदि इंडक्टेंस चेंज हो गया तो ये इम्पीडेंस भी, इंडक्टिव इम्पीडेंस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। पहले ट्रांसमिशन लाइन 50 ओम पे था, अब क्या 50 ओम पे रह जाएगा? आंसर इज नो। इसका इम्पीडेंस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो अब बेसिकली देखिए, बेसिकली आप यहाँ देखिए कि पहले 50 ओम का पॉइंट था और इसका इम्पीडेंस चेंज हो गया, तो क्या इस बार इम्पीडेंस मैचिंग होगी? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि इसका इम्पीडेंस चेंज हो गया। तो इसका ड्रॉबैक क्या समझ में आया इस टेक्निक का, कि यदि मैंने डाइलेक्ट्रिक की हाइट को इंक्रीज कर दिया तो इम्पीडेंस मैचिंग क्या हो जाती है? डिटेरियट हो जाती है। चलिए एक चीज़ और देखते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक एरे स्ट्रक्चर है, ये माइक्रोस्ट्रिप एंटीना है, ये इसका एरे है। तो आप देखिए कि व्हाट इज़ एरे? एरे इज़ नथिंग बट सेट ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे सिमिलर एलिमेंट्स लिया है,
ये सब के सब माइक्रोस्ट्रिप एंटीना है। इसमें ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है वो सब क्या है, कोएक्सियल फीड है। तो यहाँ कितने हैं एलिमेंट्स है, 10 एलिमेंट्स, मतलब कितनी कोएक्सियल फीड ज़रूरत पड़ेगी, 10 की ज़रूरत पड़ेगी। यदि 100 एलिमेंट्स आ जाएँ तो 100 कोएक्सियल लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। सिस्टम विल बिकम बल्की, सिस्टम बहुत बल्की हो जाएगा। तो क्या कंक्लूज़न निकला, कंक्लूज़न ये निकला कि कोएक्सियल फीड टेक्निक इज़ नॉट सुटेबल फॉर एरे एप्लीकेशन। एरे के केस में सुटेबल नहीं है। दूसरी चीज़ कब सुटेबल नहीं है कि जब हम डाइलेक्ट्रिक की हाइट बढ़ाते हैं, डाइलेक्ट्रिक की हाइट बढ़ाने से प्रोब का लेंथ बढ़ेगा, सेंट्रल कंडक्टर की लेंथ बढ़ेगी, इंडक्टेंस चेंज हो जाएगा, इम्पीडेंस चेंज हो जाएगा, इम्पीडेंस मैचिंग डिटेरिएट होगी, बिगड़ जाएगी, और इम्पीडेंस मैचिंग बिगड़ जाएगी तो कर्व किस तरफ शिफ्ट होता है, अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट होता है। आप मेरा ये वाला लेक्चर जो है, रिटर्न लॉस वाला जो लेक्चर है, उसको प्लीज़ देख लीजिए। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है, देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।